और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ पहुँचा इधर मेरे को। सो आई गेस कि कोई देवी है, जो भी देवी हो आपकी जय। इनके किंगडम में हम घुस चुके हैं और भाई अभी मैं हूँ गुफा के अंदर, काफ़ी सुनसुना है इधर, यहाँ से रोशनी आ रही है और एकदम अंधेरा है भाई इधर। यहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ जा रहा हूँ, देखो इसके इस गुफा के अंदर। चलो आगे देखते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा यार पूरा एकदम। यहाँ पर देखो कछुआ एक हिरण को चाय पिला रहा है और ये दूसरा पता नहीं कौन सा जानवर फ़ोन कर रहा है। ये यहाँ पर इनके घर का रास्ता और ये लड़ाई। तो नमस्कार, वेलकम सभी दोस्तों को, और भाई स्वागत है आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में। और आज मैं आया हूँ हापर विला, एक बहुत ही फेमस पार्क है सिंगापुर में। और हापर विला चाइनीज़ का नाम है, जिसका ट्रांसलेट में बता देता हूँ इंग्लिश में, इसका नाम होता है इंग्लिश में टाइगर बाम गार्डन। तो चलो अंदर चलते हैं, इस गार्डन के बारे में एक्सप्लोर करते हैं और बने रहो वीडियो में। तो ये इसका एंट्रेंस गेट है, सामने बस स्टॉप और MRT दोनों मिल जाएगी आपको। यहाँ से आपको ऊपर आना है। ये स्क्रिप्चर्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे मूर्तियाँ भी हैं और ये इसका मेन गेट है भाई। तो चलो अंदर चलते हैं, एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। 6:15 तो वैसे बज चुके हैं, अब देखते हैं हमें अंदर जाने का परमिट मिलता है कि नहीं मिलता है। होपफुली क्लोज नहीं होगा ये पार्क। और शुरुआत होती है हमारे इस खूबसूरत से स्क्रिप्चर्स के साथ, और सामने है बुद्धा जी का टेम्पल जहाँ पे कि लोग प्रेयर भी कर रहे हैं। और हम चलते हैं थोड़ी आगे, यहीं पर हेल्थ म्यूजियम भी है जिसका ओपनिंग आवर देख सकते हैं आप, 10 AM to 6 PM, लास्ट एंट्री 5 PM, ट्यूजडे संडे पब्लिक हॉलीडे, ट्यूजडे टू संडे और पब्लिक हॉलीडे। और ये है वो म्यूज़ियम, लेकिन बंद हो चुका है, 5 बजे लास्ट एंट्री। तो हम चलते हैं दूसरी तरफ आगे, आगे इस तरफ बहुत कुछ है देखने को भाई। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, क्या क्या है यहाँ पर। ओ भाई साहब, यहाँ पे चाइनीज़ थीम पार्क कह सकते हैं इसे। और ये सीढ़ियाँ भी है यहाँ पर ऊपर जाने को, मतलब पुराने टाइम पे जो ट्रेडिशन होता था वो यहाँ पे दर्शाया गया है। और बहुत सारे नज़ारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आज डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो है ना धूप नहीं एकदम छाया, इसलिए नज़ारे अच्छे, मतलब इतना एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, वरना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सीन होता भाई यहाँ पर। आगे भी देख सकते हैं जैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ पहुँचा इधर मेरे को भी समझ में नहीं आया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भाई यहाँ पर, और इसके पीछे है मंदिर बहुत ज़बरदस्त, बीच में गार्डन है, पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे कछुए भी हैं भाई, वो भाई साहब ये देखो भाई, लाइव कछुए और मछलियाँ, नीचे मछलियाँ हैं और ऊपर कछुए हैं। जूम करने की हम कोशिश करते हैं लेकिन जाएगा नहीं इतनी दूर दोस्तों। ये देखो यहाँ पर कछुए इतने सारे भाई, कछुए ना इनके ट्रेडिशन में बहुत ही शुभ माने जाते हैं, और हमारे में भी हिंदुज़म में भी कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास और पैसे समृद्धि इनसे आती है। यहीं पर एक बहुत बड़ा मंदिर है और ऊपर देखो बुद्धा जी का स्टैचू, बुद्धम शरणम गच्छामि, देखो भाई बहुत ज़बरदस्त। हम चलते हैं ऊपर, बहुत कुछ अभी एक्सप्लोर करने को, इस पुल से हम करते हैं पार। पार्क में एंट्री करने की अगर बात करूँ तो ये फ्री है, लेकिन जो हेल्थ इनका कुछ म्यूज़ियम है वहाँ पर जो आपको टिकट देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा सॉरी, प्राइस अंदर जाने के बाद पता चलता, लेकिन काउंटर क्लोज हो चुका है तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर एक घंटा भी है, आप चाहे तो उसे बजा सकते हैं, शायद कोई नियम अप्लाई नहीं होंगे। और ये मंदिर है, यहाँ पर 3 इनके गॉड या गुरु हैं जो भी हैं, और नीचे है एक खूबसूरत तालाब। सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इन एवर लविंग मेमोरी ऑफ मिस्टर आओ बुनपार, आई होप मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, यही फाउंडर थे या जिन्होंने इस पार्क को बनाया था, तो वो यही इंसान है, सामने उनकी फ़ोटो है। और इस तरफ भी बहुत कुछ है देखने को अभी। तो यहाँ पर कि आई गेस कि कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने कुछ बनाया यहाँ पर, ये इंस्ट्रूमेंट, बच्चे घर वाला परिवार सब यहीं पर है। सो दिस इज़ मंकी गॉड फ्लावर्स फ्रूट्स किंगडम, ये पूरा किंगडम है भाई मंकी गॉड का, अगर हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करें तो जिन्हें हम हनुमान कहते हैं, इनकी कल्चर में उसे मंकी गॉड कहा जा सकता है। ऊपर देखो छतरी के नीचे सारे भगवान उधर ही हैं, और ये इनका रास्ता है इनके किंगडम में जाने का। चलो फिर इनके किंगडम में घुसते हैं हम।
सो आई गेस कि कोई देवी है, जो भी देवी है वो आपकी जय। इनके किंगडम में हम घुस चुके हैं और अभी तक लगभग आधा पार्क में घूम चुका हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। भले इसका कॉन्सेप्ट मुझे एकदम क्लियर समझ में नहीं आया अभी, लेकिन आगे मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा और कर रहा हूँ। सामने देखो भाई, एक से एक स्क्रिप्चर्स हैं यहाँ पर। ऊपर जैसे मतलब किंगडम है और नीचे शेर रखवाली कर रहा है, जैसे दो शेर है भाई, एक इधर है एक इधर। चलो ऊपर चलते हैं शेर की दुनिया में। गाइस मुझे लगता है कि मैं सबसे ऊपर टॉप में पहुँच चुका हूँ, यहाँ से मेरे को सब जगह दिख रहा है। आगे देखो भाई, ये गोरिल्ला है आदिमानव टाइप के। बहुत खूबसूरत पार्क है अभी तक जितना मेरे को समझ में आया है। और इनके स्क्रिप्चर को देख के मेरे को लग रहा है कि ना कि ये इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे हमारे महाभारत या रामायण जैसे हम लोगों की है ना, वैसे इनकी भी होगी। सो उससे रिलेटेड जो इनके स्टैचू हैं, कुछ कहानी बयां कर रहे हैं, इनके मैथोलॉजी में जो भी है कुछ ना कुछ हिस्ट्री इसके पीछे ज़रूर होगी। पढ़नी ज़रूरी है भाई, अगर आपको पता है तो बताओ देखकर। जैसे मैं बता रहा था ना, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी या हिस्ट्री ज़रूर होगी। तो ये भाई सागा ऑफ द इमोर्टल, 2000 साल पहले कोई युद्ध हुआ था और उससे रिलेटेड है ये स्क्रिप्चर्स। ऐसी लड़ाई होती थी उस टाइम शायद। बहुत ही ज़बरदस्त यार, हमें भी ऐसा दिखाना चाहिए। आई गेस कि इंडिया में होगा जरूर महाभारत रामायण से रिलेटेड ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ये कुछ चाइनीज़ ट्रेडिशन है जो कि रूल्स घर में या सोसाइटी में दर्शाते हैं कि कैसे आपको होना चाहिए, दिखना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। शायद इसी से हेल्पिंग फ्यूचर जनरेशन, जैसे कि फ्यूचर आने वाली पीढ़ी को कैसे हेल्प करना है, इसमें दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर पूरा बताया गया है भाई, लिविंग बुद्धा जी गो। भाई देखो, तान डायनेस्टी बुद्धा जो कि फेमस राजशाही परिवार था उसके बारे में। और ये यहाँ पर कोई रिलीजियस पीटी है, सब कुछ एकदम बारीक लिखा हुआ भी और बताया उखेरा भी गया है। द ग्रेटफुल टोटोटॉइज। और ये देखो, जैसे हमारे में होता है ना कछुए के ऊपर, इनके भी कुछ माना जाता है कछुए के ऊपर। ऐसी देखो, समुद्र में नाव है, ये कछुए के ऊपर कोई है और उसको पकड़ के डूबती हुई नाव से कोई निकल रहे हैं। ये यहाँ पे दर्शाता है डिटर्मिनेशन, लॉयल्टी एंड हार्डवर्क कैसे किया जाता है, कैसे डेवलप किया जाता है, सब कुछ दर्शाया गया है भाई यहाँ पर। ओवरऑल ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं अपने इस टूर को और बहुत ही अच्छा पार्क है, आना चाहिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त, मूड फ्रेश हो जाएगा। मुझे एक गम बस एक बात का है कि आज धूप नहीं लगी, अगर धूप लगी होती तो विजुलाइजेशन और भी अच्छे से हो पाता इधर। यहाँ पर ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग की सवारी हो रही है और पीछे आई गेस के कैंगरूज हैं। पूरे पार्क में इन्हीं का दबदबा है यहाँ पर। और शाम होने को आई है, वक्त हो चुका है वापस लौटने का। तो चलो चलता हूँ एकदम फिनिशिंग पॉइंट पे, लेके आपको फिर से मिलता हूँ। बेसिकली इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, एक छोटे से हिल पर सिचुएटेड है ये पूरा थीम पार्क। और मेट्रो भी नज़दीक है, बस भी नज़दीक है, ट्रांसपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप पहुँच सकते हैं इधर और इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, कछुआ एक हिरण को चाय पिला रहा है और ये दूसरा पता नहीं कौन सा जानवर फ़ोन कर रहा है। ये यहाँ पर इनके घर का रास्ता और ये लड़ाई कर रहे हैं शायद यहाँ पर। आगे देखो, शेर जो है किसी जानवर का पीछा कर रहा है शिकार के लिए। और ये पूरी पहाड़ी पे दर्शाया गया है, यहाँ पर हिरण लकड़बग्घे सब है। आई गेस ये लोमड़ियों का साम्राज्य है, एक लोमड़ी मुर्गा मार के भाग रही है और एक गुफा में अंदर जा रहे हैं अपने खेल रहे हैं। और यहाँ पर भाई सुअर आई गेस वही होगा, कुछ खिला पिला रहा है अपनी भाषा में, ट्रेडिशन में। तो चलो हम चल रहे हैं वापस, वापस जाने का टाइम हो चुका है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट मैंने कवर कर लिए होंगे, बस एक पार्ट मिसिंग है। जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पे जो है हेल का कॉन्सेप्ट था, मतलब उसमें नरक दिखाई गई थी कि क्या क्या यातनाएं वहाँ पे दी जाती है, लेकिन इस बार मेरे को मिला नहीं कहीं। हो सकता है वो टिकट लेके जाना पड़ता होगा, लेकिन पिछली बार एकदम फ्री था मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों यहाँ पर आए थे, हमने देखा था। काफ़ी मतलब डर लग रहा था उनको देख के, लेकिन इस बार कुछ ऐसा है नहीं। वैसे भी शाम का टाइम हो चुका है, अच्छा है नहीं दिखा। ये यहाँ पर मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो चलो ये शायद गुफा है, अंदर देखने की कोशिश करते हैं इसको भी। भाई अभी मैं हूँ गुफा के अंदर, काफ़ी सुनसुना है इधर, यहाँ से रोशनी आ रही है और एकदम अंधेरा है भाई इधर। यहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ जा रहा हूँ, देखो इसके इस गुफा के अंदर। चलो आगे देखते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा यार पूरा एकदम। ओ भाई
फाइनली हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। भूल भुलैया भाई एक किस्म से पूरी। अकेले मत आना, किसी को साथ में ज़रूर लाना। दोस्तों ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर चुका अपना टूर और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक थंबनेल पिक्चर लेने की, कहाँ पर मेरे को अच्छा सा एंगल मिले ताकि आप लोग अच्छे से देख सको मेरा थंबनेल क्लियरली और व्यू आ सकें। दोस्तों फाइनली हम जा रहे हैं, ये हमारा एग्जिट गेट है हापा विला का और इससे हम जा रहे हैं, लोग यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं। मेरे को थंबनेल की फ़ोटो ढंग से मिली नहीं आ रही, कोशिश करता हूँ एक और ट्राई करने की। सो दोस्तों फाइनली मैं निकल चुका हूँ बाहर, एग्जिट ले चुका हूँ। ये देखो दरवाज़ा यहाँ का और ये थीम पार्क, अभी भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं चारों तरफ। आई होप कि आपने ये वीडियो इन्जॉय की होगी। यहाँ का जो मैंने टूर दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना का आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखना, बुरा लगा तो बुरा लिखना, और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी लिखना भाई, क्योंकि मेरे सितंबर महीने का चैलेंज है डेली एक वीडियो बनाऊंगा काट काट के, तीन चार दिन में एक बनी जाएगी। तो चलो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते रहेंगे फिर आपसे ऐसी कहीं दूसरी जगह पर।